इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद, पूरी कहानी। क्यों हुई लड़ाई? 7 अक्टूबर सुबह 5 मिनट में दागे 5,000 रॉकेट। इजराइल में 1,500 लोगों की मृत्यु। नितिन या इन कारणों से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच तनातनी का माहौल बना। 19वीं सदी से चलता आ रहा है तनातनी का माहौल। यहूदी देश इजराइल और फिलिस्तीन मुसलमान देश, जिनमें कि तनातनी के माहौल में दूसरे देशों ने भी हिस्सा लेना शुरू किया। इजराइल की तरफ से कुछ पश्चिम देशों ने साथ देना शुरू कर दिया और फिलिस्तीन की तरफ मुसलमान देशों ने और नितिन्याहू ने निर्णय किया कि मैं फिलिस्तीन को ख़त्म करूंगा, जिसमें कि एक हमास करके संगठन है, उसके कारण जो तनाव पैदा हुआ है वह तनाव को ख़त्म करके ही दम लूंगा और फिलिस्तीन को बिल्कुल दुनिया से नाम और निशान मिटा दूंगा। इजराइल लगातार गाजा पट्टी और फिलिस्तीन पर हमले करते हुए, जिसमें कि मृतकों की संख्या यही कोई 3,500 से 4,000 के आसपास हुई और घायलों की संख्या तकरीबन 8,000 के आसपास पहुंच गई। सन 1947 में जैसे इंडिया पाकिस्तान को एक अलग कंट्री का दर्जा दिया गया, वैसे ही 1948 में फिलिस्तीन और इजराइल को एक अलग कंट्री का दर्जा दिया गया। तभी से यह माहौल